In the last 25 years of armed conflict in the Jammu and Kashmir state, not only lakhs of people were killed, but thousands have gone missing. Mohammed Shafi Lon of village Wagar of district Badgam is one among them. Kuta time go timan disappear gam lapata gam timan has gay nay varish timan chalan za sal za was vari ka october was kar wa kan kush tim sarne anas gay tamam am jayan FIR to thanas manzan किसी घर में कोई गायब हो जाता था FIR करते थे तो उसके बाद तो कोई कार्रवाई नहीं होती थी। पर ये गवर्नमेंट को ये सोचना चाहिए तो अगर FIR इतने आए हैं या हज़ारों में गायब लोग गायब हैं तो इनको तो सोचना चाहिए तो इतने लोग अगर गए तो ये आखिर क्यों गए। ये बहुत गलत है कि पिछले 22 सालों में जो भी जितने भी यहाँ लापता हो गए हैं उनका अभी तक मालूम नहीं है वो कहाँ है। उस वक्त काम पर निकल रहे थे और शाम को वापस नहीं गए। आपको क्या लगता है कि कहाँ गए होंगे ये लोग, किन लोगों ने इनको पकड़ के लिया होगा? जी आज तो सब ये शक करते हैं मिलिट्री पर कि जितने भी यहाँ फेक एनकाउंटर हो गए हैं वो ये भी लगता है कि उनमें मत वो मारे गए हैं। तो हमें बताइए क्या होना चाहिए? जी इस बारे में एक कमेटी तश्कील होनी चाहिए जो अदालत के ज़रिए इनको ढूंढने की कोशिश करे और वो अपने घर वापस आ सके। पिछले सालों एक इधर हुआ था श्रीनगर गगरीबल में, उधर एक खुदाई चल रही थी ज़मीन को, वहाँ बहुत सारी हड्डियाँ निकली। उधर कोई काम शुरू हो गया तो वहाँ तो इंसानों की हड्डियाँ निकल रही थी। रोजगार कैसे रिश्ते गवर्नमेंट की तरफ शू का एड वेड है कंपनसेशन वाज मुझे Shakila has no clue about her husband who is missing from last 9 years. This is Sajjad Rasool reporting from Badgam, Kashmir for India Unheard.